मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम करता रहूँगा। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के दो दो लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है, एक तेली समाज की महिला और एक चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर भीम सिंह। और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मैं 15 साल विधायक रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, डिप्टी सीएम रहा 10 साल, बिहार का वित्त मंत्री रहा। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम करता रहूँगा। सोनिया गांधी को भी राज्यसभा भेजा गया, कैसे देखते हैं कांग्रेस के अंदर? ठीक है, ये कांग्रेस का निर्णय है, उनकी उम्र हो गई, 78 साल उम्र हो गई, अब उनको लगा होगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको राज्यसभा में भेजने का तय किया है। ये कांग्रेस का अपना आंतरिक निर्णय है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।